वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं मसाला चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो झटपट से बन जाती है और इतनी फ्लेवरफुल मसाला चाय बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी एनर्जी से भरपूर मसाला चाय। और कोशिश करें कि इसका मसाला जो है आप थोड़ा थोड़ा ही बनाएं, फ्रेशली पीसे हुए मसालों का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए ये नेटमर्ग है यानी कि जायफल, इसका सिर्फ इतना सा ही टुकड़ा लेना है। ये फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होता है लेकिन कड़वा होता है, तो इतना ही पीस हमको लेना है जितना मैंने आपको बताया है। और क्वार्टर इंच की सिनेमन है, 2 लौंग है और 4 इलायची है। कोशिश करें कि लौंग और सिनेमन जो है वो कम लें क्योंकि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इलायची ज़्यादा लें। और इन्हें फ्रेशली पाउंड करना है, मतलब यानी आपको इसका मसाला पीस के रखना नहीं है क्योंकि जो फ्रेशली पाउंड होता है, फ्रेशली क्रश किया जाता है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो देखिए इसे सिर्फ इसको क्रश करना है, मोटा मोटा ही इसको रहने देना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे ये मसाले को। और फ्रेशली जिंजर जो है, देखिए ये मसाला मैंने किस तरह से पीसा है देख सकते हैं आप, बिल्कुल मोटा मोटा ही रखा है इसको। अब इसको साइड में रख देंगे और जिंजर को मैंने छील लिया है और 1/4 इंच की जिंजर मैं क्रश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 कप से 1.5 कप की जितना चाय बनी है मेरी, इतनी ही बनाई है मैंने। तो जिंजर भी मैंने क्रश कर लिया है, तो 1.5 कप मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। और 1/4 इंच की इसमें जिंजर ऐड की है और जितना मैंने मसाला बनाया था उसमें से हाफ मसाला इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स की चाय मैं नहीं पसंद करती हूँ, इसीलिए इतना ही मैं मसाला ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये चाय है, खोरमा नहीं है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और 1 टीस्पून फुल मैं इसमें चाय पत्ती ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर्स सारे होने चाहिए मसाला चाय में लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे को माइल्ड कर दें, एक दूसरे का फ्लेवर ही ख़त्म कर दें। और फुल फैट मिल्क 1 कप मैंने गरम करके साइड में रख लिया है। और अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ, मैं बहुत कम शक्कर लेती हूँ चाय में। अब ये हाफ हो जाए तब तक हम इसे पकाना है, इसको रिड्यूस करना है, इस पानी को, डिकॉशन को एकदम गाढ़ा कर देना है। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है तो मैं इसे दूध में छान रही हूँ, इससे कलर जो है चाय का परफेक्ट आता है ये टेक्निक से। यानी पहले आप चाय बना लें और दूध एक साइड में गर्म कर लें और उसमें अब ये चाय, पकी हुई चाय डाल दें तो कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब चाय बनकर तैयार है, तो अब हम इसको सर्व कर देंगे। इतनी फ्लेवरफुल और टेस्टी चाय, खुशबूदार बनी है कि आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि क्या बना है, कौन सी चाय आपने बनाई है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चाय बनी है। तो इस वीडियो को, ऐसी चाय की, मसाला चाय की रेसिपी शेयर करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी ये चाय बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वाली मसाला चाय की रेसिपी कैसी लगी। और जिस तरह से मैंने कहा, इसके फ्लेवर्स को आप माइल्ड ही रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत।